हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से है, और कहीं ना कहीं ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक गाइड के तरह से ये वीडियो काम करेगा कि किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो आप इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, सो ज़रा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, कितना है, वन बाय एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू वन बाय सिक्स, जहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 नहीं होगा और -5 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए, पैटर्न अगर आप पकड़ लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ बनाने से पहले आपको तो आइडिया तो होना चाहिए ना कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर वो चीज़ नहीं पता है तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, 1 बाय x माइनस 3 है, -1 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 6 है। कुछ नहीं कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में यही चीज हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5, यही एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो चूंकि 1 है तो 1 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो एक्स प्लस फाइव ही होगा, अरे यह माइनस है और ये पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, काहे देंगे, यहाँ पे माइनस है इसीलिए ब्रैकेट दिए, अगर माइनस नहीं रहता, अगर प्लस रहता तो ब्रैकेट यूज नहीं करते, ठीक। और इस तरफ हमारे पास क्या है, 1 बाय 6 है। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, x प्लस 5, और ये देखो प्लस माइनस माइनस x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, देखो x x के साथ इंटू होगा x स्क्वायर, x को 5 के साथ इंटू करेंगे तो 5x होगा, माइनस 3 को x से तो -3x होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 1 बाय 6 हो गया, ठीक। अब ये x प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचा, देखो यहाँ 5 4 3 8 हो गया, और नीचे कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर है, और 5x में 3x घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ -15 है, और इधर 1 बाय 6 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इधर इंटू हो जाएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, और ये सब इधर इंटू हो जाएगा x के साथ, 1 के साथ, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले चलेंगे, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और +48 है इधर आएगा, तो -48 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे -63 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, -15 और -48 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -63 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 63 को तोड़ो, 63 को कितना से 2 लाना है, तो ऐसे हो जाएगा 9 7 जा 63, तो 9 में 7 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें बता कॉमन क्या होगा, x तो इधर होगा x प्लस 9, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन होगा बोलिए, 7 और 63 7 का टेबल में आएगा, -7 कॉमन ले लो, तो यहाँ x होगा ये दोनों में, और यहाँ प्लस होगा 9, देखो प्लस माइनस माइनस 9 7 जा 63, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें देखिए x प्लस 9 है दोनों में, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया x, और इधर -7, x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसके लिए 0 लेंगे, फिर इसके लिए 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे, इसको हटा देते यहाँ से, लिखेंगे इफ x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर -9 होगा, अगेन फिर क्या लिखेंगे, अगेन क्या दिया हो बोलो,
एक तो एक्स का वैल्यू माइनस नाइन हो गया और यहाँ पे एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स का दो वैल्यू होगा, एक माइनस नाइन और एक सेवन, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि तीन तीन सेट रहता है तो तीनों सेट में अलग अलग कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा चेंजेस क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिख रहा हो, डिफरेंस क्या उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, वन बाय एक्स प्लस टू बाय टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस टू। पहले क्या बताए थे याद कीजिए, सबको पता है क्या बोले थे, पहले इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही चीज हो जाएगा एक्स और इधर से टू एक्स माइनस थ्री, ठीक। अब ये इधर चला जाएगा ये इधर, तो टू एक्स माइनस थ्री यहाँ वन है, तो टू एक्स माइनस थ्री को वन से इंटू करेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री होगा, प्लस एक्स को टू से इंटू करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा और इधर वन बाय एक्स माइनस टू ही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, टू एक्स और टू एक्स एड होकर फोर एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस थ्री है, और इधर से देखे एक्स को टू एक्स से इंटू करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को टू एक्स से इंटू करेंगे टू एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स को माइनस थ्री से तो माइनस थ्री एक्स होगा, सॉरी। अब इधर हमारे पास क्या वन बाय एक्स माइनस टू है, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इधर चला जाएगा ये इधर, तो यहाँ से ऑलरेडी पहले से फोर एक्स माइनस थ्री है और इधर हम लोग के पास क्या एक्स माइनस टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वन को टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ही होगा। अब क्या होगा देखो, फोर एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर होगा, और फोर एक्स को माइनस टू से तो एट एक्स होगा, माइनस थ्री को एक्स से तो माइनस थ्री एक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, इधर हम लोग के पास है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक। अब ये सबको इधर ले आएंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पहले से इधर फोर एक्स स्क्वायर है, अब ये टू एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखे अच्छा एक स्टेप, अच्छा ऐसा कहते हैं ना माइनस थ्री एक्स उधर दोनों तरफ था काट दिए, ठीक है, और इसको इस तरफ ले आए, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस एट एक्स है, माइनस एट एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस सिक्स है, और उधर कितना हो गया जीरो हो गया, ठीक। अब क्या होगा सो देखो, फोर एक्स स्क्वायर में टू एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, टू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे एट एक्स है प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप ऐसा करो टू कॉमन ले लो, तो टू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब टू इधर चला जाएगा डिवाइड में तो जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो बाई टू कर देंगे तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग के पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको कितना लाना है फोर लाना है, फैक्टराइज करेंगे तो कैसे फैक्टराइज होगा बोलो, तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे थ्री है, थ्री वन जा थ्री, तीन में एक जोड़ेंगे तो चार आएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। वन नहीं लिखा जाता, वन को हटा देंगे। अब क्या करेंगे इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या दिख रहा है देखिए x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे माइनस थ्री, अब यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लो है ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ माइनस थ्री होगा तब ना माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या करेंगे इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें x माइनस थ्री दोनों में, तो x माइनस थ्री को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x और इधर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इफ x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो x बराबर थ्री हो जाएगा, अगेन x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x बराबर वन, देखिए दो दो आंसर आ गया, एक x इक्वल टू थ्री और एक x इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही लाएंगे है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।